कितना मजा आ रहा है। सही कहा, और ये कितना स्वादिष्ट है, कोला मस्त होता है। मेरे पास भी अच्छा ट्रीट है। देखो दोस्तों, मेरे पास कितनी बड़ी आइसक्रीम है। अरे वाह, कितना अच्छा है ना। देखो कोई आ रहा है। कहाँ? वाह, कितना अच्छा नाच रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। हैंडसम? जब तक तुम दोनों उस डांसर को घूर रहे हो, मैं इस स्वादिष्ट आइसक्रीम का मजा लेता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम मेरी आइसक्रीम खा सकते हो? चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तो बस थोड़ा लिया। ओ, देखो, और बार्बी ने थोड़ा नहीं, पूरा ही खा लिया। ये तुमने क्या किया? वो मेरी आइसक्रीम थी। बस अब बहुत हुआ, हमें अपनी लड़ाई एक चुनौती में सुलझानी होगी। चलो। वाह, लगता है यहाँ कुछ मजेदार होने वाला है। चलो जल्दी देखते हैं क्या है। क्या मैं खोल सकती हूँ प्लीज? ठीक है, खोलो। अरे वाह, कितना सुंदर कैक्टस है। पर हम इसके साथ क्या करेंगे? क्या ये बहुत कांटेदार है? ओह, कितना दर्द हुआ, मैंने ये क्यों किया? ये तो सब जानते हैं कि कैक्टस कांटेदार होता है। अच्छा है कि मेरे पास एक बैंडेड है बार्बी की उंगली पर लगाने के लिए। धन्यवाद एंडी, तुम बहुत अच्छे हो। जल्दी खुश मत हो जाओ। अब हमें देखना होगा कि कैक्टस के साथ करना क्या है। यह रहे कार्ड, मैं लकी हूँ, मुझे ये कैक्टस छूना भी नहीं होगा। और मुझे, अरे नहीं, मुझे ये चाटना होगा। कितना बुरा। क्या तुम्हें लगता है चाटना बुरा है? मुझे इसका एक बाइट लेना होगा। पर मैं अच्छी दोस्त हूँ तो मैं ये एमिली को देती हूँ। धन्यवाद, पर मुझे शुरू नहीं करना है। मुझे भी नहीं, इसलिए तुम शुरू करो। रुक जाओ, तुम दोनों बस रॉक पेपर सीजर खेलकर ही फैसला लो कि पहले कौन जाएगा। बस एमिली जीत गई तो वह शुरू करेगी। हाँ एमिली, उसके मजे लो। आशा है मेरी जीभ न कट जाए। आह, कितना दर्द हो रहा है, सारे कांटे मेरी जीभ पर है। अरे बेचारी एमिली। उफ, यह असली जीभ नहीं है, इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हो? अगर वो असली जीभ नहीं है तो तुम्हें यह कैक्टस अभी भी चाटना होगा। मैंने क्यों बता दिया कि वो नकली थी? अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। इसे बस शेव करना होगा ताकि इसके नुकीले कांटों से मुझे चोट ना लगे। माफ करना एंडी, सारे कांटे तुम पर लग गए हैं। कितना दर्द हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? चिंता मत करो, मैं मदद करती हूँ। एक कैक्टस कांटों के बिना, इसे चाटना उतना डरावना नहीं हो गया। हो गया बार्बी, अब तुम्हारी बारी है इसे खाने की। हाँ मुझे पता है, लग रहा है कि मैं घास खा रही हूँ। सब मेरे ऊपर चीजें क्यों फेंक रहे हो? तुम बस भाग्यशाली हो, मुफ्त की चीजें मिल रही है। पता नहीं इस बार हमें क्या मिलेगा। वाह, यह मेरा फेवरेट ओरियो है। अब देखते हैं कि यह कुकी कौन खा पाएगा। इस बार मैं कुछ नहीं करूंगी। और मैं इसे चाट सकती हूँ, बहुत बढ़िया। मैं लकी हूँ क्योंकि मैं यह कुकी खाने वाला हूँ। शायद मैं कुकी चुरा सकती हूँ। रुको, यह बार्बी और मेरी ट्रीट है। प्लीज क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, ठीक है लो। हाँ, ओरियो का स्वाद सबसे बढ़िया होता है, और इसका सफेद क्रीम तो और भी कमाल का। ये इतना अच्छा है कि सब मैं ही खाऊंगी। एंडी को मेरे थूक वाली ओरियो खानी पड़ेगी। कितना गंदा है, मैं नहीं खा सकता, बहुत खराब है। खाना ही पड़ेगा, यही नियम है। क्या तुम्हें इसका स्वाद पसंद आया? ये क्या? ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है ढक्कन के नीचे से है। इतनी बदबूदार क्या हो सकती है? एक मछली? छी, ये सच में बहुत खराब है। पता नहीं इस बार लकी कौन होगा। उम्मीद है मैं होंगी। नहीं, मुझे ये मछली नहीं चाटनी, और मुझे बाइट करना होगा। नहीं, और मैं बहुत लकी हूँ। वाह, मैं पक्का पहले नहीं खाऊंगा। एमिली को पहले चाटने दो। अच्छा ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं ही बहादुर हूँ। अगर तुम इतनी बहादुर हो तो खाने में इतना समय क्यों लगा रही हो? स्वादिष्ट होगा, खाओ। मुझे मदद करने दो। कैसा लगा, स्वाद पसंद आया? ये तुमने क्यों किया, कितना खराब है। और क्योंकि तुमने मुझे इस मछली को चाटने में मदद की, मैं भी तुम्हें इसे खाने में मदद करूंगी। कैसा लगा, मछली पसंद आई? मुझे उल्टी हो जाएगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
छी, कितना गंदा। और ये सब सिर्फ एमिली की वजह से हुआ है। अब तुम यह लो। तुमने क्या किया, मुझे क्यों मारा? इस बार ढक्कन मैं खोलना चाहती हूँ। वाह, कितना बड़ा लॉलीपॉप है। अच्छा है, चलो देखते हैं इस बार ये कौन खा पाएगा। हुर्रे, मैं इसका एक बाइट ले सकती हूँ। पर मैं नहीं, मैं तो इसे चाट भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इसे चाटूंगा तो मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या नहीं, मैंने बहुत देर से इंतजार किया है कुछ स्वादिष्ट खाने का, तो मैं शुरू करूँगी। ओह, ये लॉलीपॉप कितना कड़ा है। पर कोई बात नहीं, ज्यादा देर के लिए नहीं, अभी भी नहीं टूटा। अजीब है, खैर छोड़ो, मैं इसे हथौड़े से तोड़ दूंगी। यह लो। क्या बकवास है, क्या ये लोहे का बना है? इस स्वादिष्ट ट्रीट का मजाक उड़ाना बंद करो। इससे पहले कि तुम ये तोड़ो, मैं इसे चाटना चाहता हूँ। उफ़, अब तो इसमें बहुत समय लगने वाला है। मैं थक गई हूँ। एंडी, चलो जल्दी करो। किस बात का इंतजार है? मैं मदद करती हूँ। अगर लॉलीपॉप को एक ड्रिल में लगाया जाए तो चीजें तेजी से होंगी। अरे हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो। अरे सुनो, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ो। नहीं, मैं यह खाऊंगा। लॉलीपॉप तो लगभग खत्म हो गई है, लेकिन इसके अंदर बढ़िया गम भी है। कितना बड़ा बबल है। ओ, वो फूटने जा रहा है। किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देती है। क्यों, चबाया हुआ गम तुम्हारे चेहरे पर मस्त लग रहा है। चलो ढक्कन साथ में खोलते हैं। देखो दोस्तों, यह हब्बा बब्बा है। अब पता लगाते हैं कि किसे क्या करना है। मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं इसे खाऊंगा। और मैं ये चाटूंगी, ये भी अच्छा है। क्या मैं पहले जा सकती हूँ? फिर तुम चबाना, वरना मैं वो नहीं चख पाऊंगी। हाँ, ये लो। हुर्रे, मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं जल्दी से पूरे गम को कैसे चाट सकती हूँ। क्या कर रही हो, तुम्हारी पूरी थूक लग जाएगी। पर ये कितना स्वादिष्ट है। इस पर इतनी लाड लग गई है कि गम का स्वाद ही नहीं आएगा। छी, नहीं, मैं नहीं खा सकता। मेरे पर क्यों फेंका? मैंने कुछ नहीं किया था। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। ये बदबूदार चीज है, इससे तो हर कोई नफरत करता है। मुझे ये चाटना होगा। और मुझे एक बाइट लेना होगा। और मैं यहाँ बैठकर तुम्हें देखूंगा। पर चीज की गंध बहुत खराब है। अरे छी, मैं इसे कैसे चाट पाऊंगी अगर मैं इसके करीब भी नहीं जा पा रही तो। अरे हाँ, मैं अपनी नाक बंद कर लेती हूँ। इस चीज का स्वाद उतना बुरा नहीं है, पर महक बहुत गंदी है। हाँ, अगर नाक बंद की है तो खोलनी भी पड़ेगी ना। बस हो गया, बारबी अब तुम्हारी बारी है, इसके मजे लो। प्लीज, मुझे यह नहीं खाना, खाना ही पड़ेगा। मैं यह कर सकती हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कितनी गंदी बदबू है, लग रहा है कि हम गटर में घुस गए हो। मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं भी। मेरे पास कितना कम न्यूटेला है। अरे, तुम्हारे पास इतना ज्यादा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, इसे मैं तुरंत खा लूंगी। ओ हाँ, हमेशा की तरह वह शुरू करेगा जिसे सबसे कम मिला हो। तो मैं, तुम पहले चलो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतने छोटे जार में तो कोई चम्मच नहीं अटेगी, तो उंगली ही घुसाना होगा। अब क्या करोगी? अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। और वैसे मेरे पास एक आइडिया है। इस न्यूटेला को जल्दी से खाने के लिए देखो कितनी छोटी चम्मच है, और इसके ही मदद से मैं ये स्वादिष्ट ट्रीट खाऊंगी। काश मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाई न्यूटेला होता। ये जार बहुत जल्दी खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। हुर्रे, आखिरकार मैं भी खा सकता हूँ। अच्छा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैं साधारण चम्मच से खा सकता हूँ। शायद तुम मेरे साथ शेयर करना चाहो। मुझे और न्यूट्रेला खाना है। और न्यूट्रेला खाना है, ठीक है, अपना मुँह खोलो। अरे तुमने ये क्या किया, मुझे सच में भूख लगी है। ठीक है फिर कोशिश करते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, हो गया, फिर नहीं करूँगा। हाँ फिर तुम नहीं करोगे, क्योंकि अब तो मैं न्यूट्रेला पक्का खा कर रहूंगी। धन्यवाद यार। ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी चम्मच गंदी कर दी, अब मैं कैसे खाऊंगा। पता नहीं पर वो बहुत स्वादिष्ट था, फिर शुक्रिया। मैं ये कैसे खाऊं? अपना हाथ घुसा कर देखता हूँ। मेरा हाथ बहुत बड़ा है। और एक और समस्या आ गई है, मैं अपना हाथ कैसे निकालूं? ओह जार तो गया, पर मेरा हाथ निकल गया और इस पर थोड़ा न्यूट्रेला लगा हुआ है। छी, अपने हाथ क्यों चाट रहे हो? तो क्या हुआ, अब जेन अपना न्यूट्रेला खाना शुरू कर सकती है। अरे वाह, मैं अपने बारी का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आखिरकार मैं भी ये स्वादिष्ट चॉकलेट स्प्रेड खा सकती हूँ। बेशक मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगी, मेरे पास इसके लिए बड़ी चम्मच है। और मेरे पास आइडिया है कि मैं थोड़ा न्यूट्रेला अपने लिए कैसे चुरा सकती हूँ। हेलो, तुमने मुझे क्यों डरा दिया? तुम्हारी वजह से मेरी चम्मच न्यूट्रेला में गिर गई। अब मुझे ये निकालना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि मदद के बिना जेन नहीं निकल पाएगी। धन्यवाद, यह कितना मजेदार था, मैं तो चॉकलेट की दुनिया में थी। हाँ अब तुम खुद ही चॉकलेट की तरह लग रही हो। Nice. मुझे फिर सबसे छोटा मिला है, इस पर तरबूज है, मुझे ज्यादा मिला है। और मुझे सबसे ज्यादा मिला है। मैं दूसरे दौर में भी तुम ही शुरू करोगी। बेहतर होता अगर मेरी बारी सबसे अंत में आती, फिर मुझे एक बड़ा सा तरबूज मिलता। ऐसा ही कि छोटा वाला भी स्वादिष्ट हो, अब तक तो लग रहा है कि बहुत कड़ा है। ओह इसका स्वाद बहुत अच्छा है, छोटा है पर फिर भी। और उसके साथ मैं एक अच्छी ट्रिक भी कर सकती हूँ। देखो एलेक्स, अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, पर पहले मुझे ये सोचना होगा कि इस तरबूज को तोड़ा कैसे जाए, यह काफी बड़ी है। उम्मीद है कि साधारण चाकू से काम हो जाए। अब मेरे हाथों को थोड़ा काम करना होगा, सिर्फ इस तरबूज का छिलका निकालना है। अब मुझे मिल गया एक बड़ा रसदार बॉल। यह तरबूज बहुत स्वादिष्ट है। तुम इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो, गले में फंस जाएगा। सब ठीक है। ओह उसने तो फायर कर दिया। हेलमेट पहनो, अपने सिर को बचाओ। माफ करना, तरबूज के बीच मेरे गले में फंस गए थे। हाँ मुझे तो लग रहा था कि हम मर जाएंगे, पर वो सब छोड़ो, मैं खुश हूँ कि मेरे पास एक पूरा तरबूज है। इसमें एक छोटा सा छेद बनाते हैं जूस निकालने के लिए। देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया है। अब इसमें एक नल लगा देते हैं और जूस मेरे ग्लास में गिरेगा। हाँ, सच में बूंद बूंद करके ही आ रहा है। हमें तो बहुत देर इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं अपने जूस के लिए जितना इंतजार करना हो उतना करूंगी। मैं तो सो ही जाऊंगा। जब तक तुम सो रही हो हम मजे करते हैं। या क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ हमें उसका जूस चुराना होगा जब तक वो सो रही है। एलेक्स तुम उसका सर ऊपर करो, जब तक मैं ग्लास खींच लेती हूँ, तब वो उठे ना। बहुत बढ़िया, हमें अब सब मिल गया। अब हम ये लाजवाब जूस पी सकते हैं। क्या जूस कहाँ है? मेरा जूस कहाँ गया? तुमने मुझसे चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं सो रही थी, ये सही नहीं है। पर ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा जूस वापस दो, मैं ये जल्दी से पी लूंगी। अरे हाँ ये जूस तो सच में कमाल का है। हम तुमसे सहमत है। जेन के पास कितना बड़ा अंडा है, वो बिल्कुल लकी नहीं है। ये कोई हंसने की बात नहीं है, तुम्हारा अंडा छोटा है मतलब तुम शुरू करो। हाँ एलेक्स पहले जाएगा। मुझे तो अंडों से एलर्जी है, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई चाकू है जिसे तुम अंडे को तोड़ पाओगे। धन्यवाद, मैं ऐसी मदद नहीं चाह रहा था, पर ठीक है। अरे चाकू से सच में मदद हुई। चलो देखता हूँ इस अंडे का स्वाद कैसा है। स्वादिष्ट है ना? नहीं ये बहुत गंदा था। उफ, अगर ये इतना गंदा है तो मैं ये कैसे खाऊंगी।
अरे हाँ, इसे कच्चा क्यों खाऊं? अगर इसे कुछ स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। मेरे पास एक छोटा सा किचन है इस छोटे से अंडे के लिए और एक खास छोटा फ्राइंग पैन। इतना प्यारा है ना? बस कुछ ही सेकंड में मेरे पास एक छोटा तला हुआ अंडा होगा। अभी मैं एक छोटा प्लेट निकाल लेती हूँ और ये छोटा नैपकिन लगा लेती हूँ। लगता है मेरा अंडा पक गया है। समय आ गया है इसे खाने का। बढ़िया आइडिया है। स्वादिष्ट था बहुत। मेरा तो हो गया। तो जेन, चलो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ तो मैं ये आसानी से तोड़ दूंगी। अरे, मेरा अंडा तोड़ना इतना आसान क्यों था? अंदर क्या है? वाह, यह कोई अंडा नहीं है, ये एक पिन्याटा है। मैं इसे और तोड़ूंगी। ध्यान से, हम भी यहाँ हैं। तो क्या हुआ? मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इसके टेस्टी ट्रीट्स पाने हैं, वो भी जल्द से जल्द। देखो यहाँ कितने सारे कैंडी हैं। क्या हम भी खा सकते हैं? नहीं। प्लीज यार, हमें भी दो ना। ठीक है, बस मुझे परेशान मत करो। मुझे फिर सबसे छोटा हिस्सा मिला है। और मैं भाग्यशाली हूँ, पर इस बार मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा बकेट है। हमेशा की तरह शुरू करो। मैं, ये कोई हंसने की बात नहीं है। आज किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही है। ठीक है, अब कम से कम मैं थोड़ी कैंडी खा पाऊंगी। कितने कम है, तुम तो गिन सकती हो। तो क्या हुआ? ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि इसे कैसे खाया जा सकता है। इसके लिए मैं एक ट्यूब का इस्तेमाल करूंगी। इतना ही था? बहुत जल्दी खत्म हो गया। अच्छा है, अब मैं अपना खाना शुरू करती हूँ। मैं तो इसे खाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट है ये। हाँ, तुम्हारे दांतों पर लग गया है। और अपना पेट देखो। अब समय आ गया पता लगाने का कि मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। वाह, हाँ सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगा बहुत सारे कैंडी होंगे, पर यहाँ तो एक बड़ा सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे खाऊं। नहीं हो रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। इसको आराम से खाने के लिए मैं कैंडी को छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। चलो शुरू किया जाए। अरे देखो, यह कोई साधारण कैंडी नहीं है। इस बड़े कैंडी के अंदर बहुत सारे स्किटल्स भरे हुए हैं। स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे पता है, पर तुम दोनों को एक कैंडी भी नहीं मिलेगी। सारे स्किटल्स मुझे जाएंगे क्योंकि यह मेरे हैं। और हाँ, सच में यह कमाल के हैं। कम से कम एक तो दे दो। नहीं, मैं तुम्हारे बिना यह संभाल लूंगा। जब तक तुम उस टुकड़े के साथ बिजी हो, मैं दूसरे वाला ले लेती हूँ। क्या तुम्हें लगा मैं वह नहीं देखूंगा? मुझे सब दिखता है और मैं जानता हूँ कि इस चोरी को कैसे रोका जा सकता है। यह क्या किया? अब तुम्हें समझ आएगा कि चोरी करना बुरी बात होती है। मैं अंदर के सारे कैंडी खा लिया हूँ। अब मैं इस चॉकलेट बॉल को छोटा बना सकता हूँ। यह मैं आसानी से खा लूंगा। तुम्हारा पेट कितना बड़ा हो गया है। हमारे साथ शेयर कर लेना चाहिए था भूखर। लगता है इस बार डोरिटोस हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे चिप्स बहुत पसंद है। पर तुमने यह नहीं सोचा कि डोरिटोस कितने तीखे होते हैं? और मुझे सबसे बड़ा पैक मिला है। मैं खुश हूँ कि मुझे सबसे नन्हा वाला मिला है। इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा देर परेशान नहीं होना होगा और मैं यह चिप्स जल्दी से खा लूंगी। अगर ये इतने छोटे हैं तो ये पक्का तीखे नहीं होंगे। मैं गलत थी, यह भयानक है। मैंने इससे ज्यादा तीखी चीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था, टमाटर की तरह लाल हो गई थी। यह तुम्हें हंसने वाली बात लग रही है। अब मैं देखती हूँ कि तुम वो चिप्स को खाते वक्त कैसे दिखते हो। ठीक है, तुम ज्यादा नौटंकी कर रही थी। यह बुरे नहीं है, बिल्कुल भी तीखे नहीं है। मुझे तो पसंद आए।
मैं और खाना चाहता हूँ, स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। पानी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ये चिप्स बिल्कुल तीखे नहीं है। अरे नहीं, ओह ओह, कुछ गड़बड़ होने वाला है। यही थे स्वादिष्ट चिप्स जो बिल्कुल तीखे नहीं थे। हंसो मत। जेन, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा पैकेट है, देखते हैं तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे डर लग रहा है, आशा मैं जल ना जाऊं। ओह, पैक नहीं खुल रहा है, अब मैं डोरिटोस कैसे खा पाऊंगी? बहुत आसान होगा, इस बगीचे वाली कैंची से तुम काटो। धन्यवाद, मैं तुम्हारी मदद के बिना क्या करती। जरा देखो कितना बड़ा चिप्स का टुकड़ा है, और ये बहुत तीखा है। मैं ये कैसे खाऊंगी? ये बहुत तीखा है, मैं नहीं खा सकती। तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ठीक है, चिल्लाओ मत, आशा है मुझे कुछ हो ना जाए। देखने में ही भयानक लग रहा है। हाँ सच में, जेन क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बेचारी जेन, हमें उसे और खुद को इस आग से बचाना होगा। जेन क्या तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, पर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। तुम डरावनी लग रही हो। सही कहा। हाँ हाँ, नॉम पर आप हमेशा मजेदार चुनौतियाँ पा सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी मस्ती मिस ना करें।